हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि IPPB यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आप जो है कि जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट किस तरह से ओपन कर पाओगे, वो भी ऑनलाइन और घर बैठे। आपको जो है कि बिना वीडियो KYC के अकाउंट नंबर वगैरह मिल जाएंगे। सो किस तरह से ओपन करना है, क्या इसका प्रोसेस है, पूरी स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो वीडियो को पूरी लास्ट तक देखते रहिएगा और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ताकि ये जो नॉलेज है वो लोगों को भी मिल पाए। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बिरजू कुमार, आप देख रहे हैं टेक हिंदी विद बिरजू। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या फिर PC लैपटॉप जो भी यूज़ करते हो, आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है एंड यहाँ पे गूगल में टाइप करना है IPPB, आपको सर्च कर लेना। सर्च करने के बाद फर्स्ट में दिख जाएंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.ippbonline.com। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा, उसके बाद आप डायरेक्ट ही इसके वेबसाइट पे आ जाओगे IPPBonline.com में। इसका लिंक हो सके तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और यदि मैं भूल जाऊँ लिंक डालना तो आप डायरेक्ट गूगल में सर्च करके आ सकते हो। एंड उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस जो है कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको 3 लाइन पे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, काफ़ी सारी अकाउंट देखने को मिल रहा होगा, तो यहाँ पे आपको सेविंग वाले अकाउंट पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पे बहुत सारे अकाउंट देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे सबसे फर्स्ट में प्रीमियम सेविंग अकाउंट, उसके नीचे आपको दिख जाएंगे डिजिटल सेविंग अकाउंट, यहाँ पे आपको दिख जाएंगे बेसिक सेविंग अकाउंट, यहाँ पे आपको दिख जाएंगे रेगुलर सेविंग अकाउंट। तो सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पे डिजिटल सेविंग अकाउंट की, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल सेविंग अकाउंट किस तरह से आप ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको रीड मोर पे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस जो है कि देखने को मिल रहा होगा। तो अभी यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट नोटिस, ओपनिंग ऑफ न्यू डिजिटल सेविंग अकाउंट हैज़ बीन सस्पेंडेड, यहाँ पे 18 मई 2023 को जो है कि इस अकाउंट को जो है कि सस्पेंड कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यही अकाउंट को मैं आपको ओपन करने का प्रोसेस बताऊंगा किस तरह से आप ओपन कर सकते हो। पहले जो है कि इसका मोबाइल ऐप के थ्रू आप ओपन कर लेते थे बहुत ही आसानी से, लेकिन 18 मई 2023 से ये जो है कि बंद कर दिया गया है, आप इसे ओपन नहीं कर पाओगे। तो इसका अकाउंट आप जो है कि ईज़िली यहाँ पर आईफोन, यहाँ पर आप देख सकते हो 18 ईयर्स आपका एज होना चाहिए और यहाँ पे आधार और पैन कार्ड के माध्यम से इस अकाउंट को ओपन कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आपको इंस्टेंट सेल्फ ऑनबोर्डिंग मिल जाते हैं, जिसमें आपको अकाउंट नंबर, इसका यूज़र आईडी, कस्टमर आईडी मिल जाते हैं। साथ में आपको यहाँ पे जो है कि रुपए का वर्चुअल डेबिट कार्ड दिया जाता है, जो कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। इस अकाउंट में आपको 9 मंथली एवरेज बैलेंस रिक्वायर्ड टू बी मेंटेनेड, यानी कि किसी भी प्रकार का बैलेंस आपको इसमें मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको द अकाउंट कैन बी ओपन विथ 0 बैलेंस, यहाँ पे फ्री मंथली ई स्टेटमेंट देखने को मिल जाते हैं, जिसे आप डाक ऑफिस के थ्रू ले सकते हो, यानी कि बाय पोस्ट के थ्रू ले सकते हो, या फिर ऑनलाइन ईमेल पे मंगवा सकते हो, वो भी फ्री में। यहाँ पे आपको नीचे में दिख जाएंगे इजी बिल पेमेंट एंड रिचार्ज कर सकते हो इसका मोबाइल ऐप के थ्रू। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस जो है कि देखने को मिल जाते हैं, जो कि इस अकाउंट को बिना वीडियो KYC के थ्रू eKYC के माध्यम से ओपन कर सकते हो, जो कि आधार OTP बेस्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इजीली आप इसे ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आपका नॉमिनल चार्ज वगैरह देखने को मिल जाते हैं, तो इसे ओपन किस तरह से कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक इमेज देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे, तो इस इमेज को देख सकते हो, इसे आप ऑनलाइन ओपन कर सकते हो। बट यहाँ पे आपको इसके लिए ऑनलाइन ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको मोबाइल ऐप इसका डाउनलोड करना होगा डिजिटल सेविंग अकाउंट के लिए। तो यहाँ पे मोबाइल ऐप पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो डायरेक्टली ये आपको जो है कि इसके ऐप पे जो है कि डायरेक्टली लेके चले जाएंगे। तो यहाँ से आप इसका ऐप जो है कि डाउनलोड करके इसका अकाउंट को ईज़िली ओपन कर सकते हो। तो यहाँ से आप इसे ओपन कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक और बताने वाला हूँ। इसका जो मोबाइल ऐप के थ्रू आप ओपन करोगे, तो यहाँ से ये अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है।
तो न्यू ट्रिक मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो न्यू ट्रिक को आप किस तरह से यहाँ पे ओपन कर सकते हो, सबसे पहले आपको थ्री लाइन पे क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सर्विस रिक्वेस्ट पे आपको क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएंगे IPPB कस्टमर या फिर नॉन IPPB कस्टमर। तो मैं यहाँ पे नॉन IPPB कस्टमर सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे। अभी यहाँ पे आपको दिख जाएंगे सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म डोर स्टेप बैंकिंग या फिर यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म यहाँ पे एसोसिएट विथ US, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डोर स्टेप बैंकिंग पे क्लिक कर देता हूँ। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। तो अभी यहाँ पे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में दिख जाएंगे ओपन न्यू अकाउंट, तो यहाँ पे आपको टिक मार्क कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आप इसका जो है कि APS वगैरह लेना चाहते हो, जैसे कि मनी ट्रांसफ़र वगैरह आप करना चाहते हो, तो इसका APS भी आप यहाँ पे ले सकते हो। तो यहाँ पे आधार ATM APS कैश विड्रॉल भी कर सकते हो, तो यहाँ से आप ये भी ले सकते हो बैंक अकाउंट के थ्रू। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस जो है कि देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे यदि आप लोन एजेंट बनना चाहते हो तो उसके लिए भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे अकाउंट ओपन करना चाहता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे आप नीचे आओगे, यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जाना है, यहाँ पे आपको अपना टाइटल जो है कि सिलेक्ट करना है। अभी यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम इंटर करना है और यहाँ पे लास्ट नेम और यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे ईमेल आईडी। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 एड्रेस लाइन 2 इंटर करना है, यहाँ पे एरिया पिन कोड इंटर करना है और यहाँ से आपको जो है कि अपना पोस्ट ऑफिस को सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि बैंक आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए पहले मैं इसे फटाफट यहाँ पे कंप्लीट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो है कि अपना नाम वगैरह, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस वगैरह सब कुछ इंटर कर दिया है। बट यहाँ पे मैंने एक चीज़ इंटर नहीं किया, वो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसे स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। देन स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको जो दिख रहा पिन कोड, तो यहाँ पे आपको अपना एरिया पिन कोड इंटर करना है। चलिए मैं अपना एरिया पिन कोड इंटर कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही एरिया पिन कोड इंटर किया है तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे चूज़ एन ऑप्शन अकाउंट। यहाँ पे अभी आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके एरिया पिन कोड के हिसाब से आपका जो भी जितने भी ब्रांच होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी आपका नज़दीक वाला है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद ये जो बॉक्स है ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। यहाँ पर डिवीज़न, रीजन और यहाँ पे सर्कल, स्टेट, ये सब ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। आपको इस वाले बॉक्स में टिक मार्क करनी है। यहाँ पे एनी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट, आपका कोई अगर आपका कोई रिक्वेस्ट है तो यहाँ पे इस बॉक्स में फिल कर सकते हो, नहीं तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको ये कैप्चा जो है कि यहाँ पे आपको इंटर कर देना है, टैक्स वेरिफिकेशन। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। चलिए मैं इसे इंटर कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे जो है कि अपना टैक्स वेरिफिकेशन इंटर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये लोडिंग लेगा। उसके बाद यहाँ पे आप तो यहाँ पे जो भी आपका जो टैक्स वेरिफिकेशन है वो कम्प्लीट हो चुका है। अभी यहाँ पे आपको जो है कि इसका कॉन्टैक्ट को आपको जो है कि वेट करना है। जैसे ही आपको जो है कि IPPB वाले कॉन्टैक्ट करेंगे तो आप डोर स्टेप के थ्रू आप इसका अकाउंट को ओपन कर सकते हो। आपको अकाउंट नंबर वगैरह इंस्टेंट के इंस्टेंट मिल जाएंगे। आप चाहे तो बिना पैन कार्ड के भी ओपन कर सकते हो और बिना आधार OTP के थ्रू भी आपको अकाउंट नंबर मिल जाएंगे। इसका जो पासबुक है आपको तुरंत मिल जाएंगे और इसका जो कार्ड है वो आपको फिजिकल कार्ड इसका मोबाइल बैंकिंग के ऐप में ही मिल जाएंगे। इस तरह से आप इसका अकाउंट को ओपन कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे जो है कि अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस बता दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी जो है कि आप यहाँ पे यही प्रोसेस को आपको कंप्लीट करना है तो ही आप जो है कि अकाउंट को ओपन कर पाओगे। पहले जो है कि आपको इसमें अकाउंट नंबर जो है कि इंस्टेंट मिल जाते थे, बट अभी ऐसा नहीं है। तो पहले यहाँ पर आप जो है कि इसका मोबाइल ऐप के थ्रू यहाँ पर आधार OTP बेस्ड EKYC अकाउंट ओपन कर पाते थे, वो भी बिना वीडियो KYC के। तो आपको अकाउंट नंबर वगैरह मिलने के बाद आप जो है कि इसे सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट करके आप इस अकाउंट को यूज कर पाते थे, बट अभी ऐसा नहीं है। अभी जो है कि यहाँ पे 2023 में जो है कि इस अकाउंट को बंद कर दिया गया है ऑनलाइन ओपन होना।
तो अभी यही प्रोसेस को आपको कंप्लीट करना है जो मैंने आपको वीडियो में बताया, तो ही आप यहाँ पे अकाउंट को ओपन कर पाओगे। सो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिल गए होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।